हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइड विद स्पीटे। ये थोड़ा सा अर्जेंट ब्लॉग है। कल ही मैं रत्नागिरी राइड से वापस आया और आते टाइम मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया, स्मॉल एक्सीडेंट मेरे गेट के सामने ही हुआ। भाई टाइगर से मतलब टर्न लेके अंदर आ रहा था गेट के यहाँ पे, तो सडनली एक बंदा मेरे बीच में आया। मैंने ब्रेक तो लगा दिया बट वो टाइगर एक साइड पर टिल्ट हो गया, उसमें संभाल नहीं पाया, वो टाइगर एक साइड पर गिर गई। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा नुकसान क्या हुआ। मेरा ये इंडिकेटर टूट गया, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और ये गार्ड ने बाकी सब झेल लिया। तो अगर शायद ये गार्ड नहीं होता तो यहाँ पे कुछ डैमेज हो सकता था, बट अगर डैमेज और मुझे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है और ये इंडिकेटर टूट गया। तो ये जब इंडिकेटर टूट गया, मैंने थोड़ा इंटरनेट पर सर्च किया क्योंकि मुझे इंडिकेटर उसको लगवाना ही था। बहुत रिसर्च किया इंटरनेट पर, दो तीन मुझे साइट्स पे इंडिकेटर्स मिले भी, बट उसका प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। मतलब एक एक साइट पे तो इट वॉज ऑलमोस्ट 3,700 फॉर वन सच इंडिकेटर, तो ये प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। मैंने मेरे भाई को भी बोला कि अगर उसके पास कोई ऑप्शन है तो बताओ, और तो भाई ने बोला कि एक बार वो आके देखता है कि आके देखेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और वो उसकी एप्रिलिया स्टॉर्म लेके आया। सो भाई ये एप्रिलिया स्टॉर्म लेके आया और हमने नोटिस किया एक्सीडेंटली कि इसका जो इंडिकेटर है विच इज़ एक्जैक्टली सिमिलर टू माय टाइगर्स इंडिकेटर। सो हम फिर एप्रिलिया शोरूम गए और वहाँ से एक इंडिकेटर हमने परचेज़ किया, ऑलमोस्ट 270 रुपये में ऐसा कुछ मुझे पड़ा। सो अब हम कोशिश करेंगे कि वो इंडिकेटर टाइगर को बैठता है कि नहीं। सो आई थॉट इस पर एक व्लॉग बना के सबके साथ शेयर करूँ ताकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल। सो चलिए देखते हैं ये यहाँ पे फिट होता है कि नहीं। तो ये है वो इंडिकेटर, अब हम ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एक ही चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि ये कपलर इसको बैठता है कि नहीं। अगर ये कपलर बैठ जाता है टाइगर को तो ये पूरा का पूरा हम लोग इंडिकेटर यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अगर ये कपलर नहीं बैठता तो अदर ऑप्शन इसका ये जो ग्लास है और जो अंदर का रिफ्लेक्टर है वो ये वाला असेंबली और ये पीछे वाला ब्लैक छोड़ के इतना ही असेंबली हम मेरे एग्जिस्टिंग टाइगर के इंडिकेटर को बिठा देंगे। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो इस प्लास्टिक वाले को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो फिर मैं सिर्फ अगर ये रिफ्लेक्टर और उसके ऊपर का कांच ये अगर यहाँ पर फिट कर देता हूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा। दोनों का फिटिंग स्टाइल भी सेम है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एलन की का बोल्ट है, ये एक ही डिफरेंस है, और यहाँ पे देख के ये अपना नॉर्मल वाला बोल्ट है। तो अदरवाइज फिटिंग टाइप भी सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये निकालने के लिए पहले ये एलन की से निकलवाना पड़ेगा। ये हमारे पास टाइगर के टूल किट का एलन की है, वो ईजिली बैठ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसको भी हम निकालते हैं। Few moments later. So guys, जिसका डर था वही हुआ। टाइगर का ये कपलर अलग है, ये सिंगल कपलर है और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो टाइगर का जो इंडिकेटर है उसका ड्यूअल कपलर है। तो ठीक है, वी हैव टू चेंज टू ऑप्शन बी। सो अभी हमको करना क्या है, ये जो ऊपर का ग्लास और ये रिफ्लेक्टर यूनिट, ये इतना हमको टाइगर को पे हम बिठा सकते हैं। आप ये देख सकते हो, इसको यहीं से सर अनस्क्रू करना है, तो ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब वही करेंगे ऑप्शन बी, ये ऊपर का ग्लास और अंदर का जो रिफ्लेक्टर यूनिट है वो टाइगर को हम लोग बिठा देंगे। या बच्चा नया यूनिट पिन का साइज भी सेम ही है, इजीली बैठ गया।
गैस ये पता नहीं ये इसके अंदर बैठेगा कि नहीं। बल्ब थोड़ा डिफरेंट था, ये टाइगर का है, ये एप्रिलिया का है। तो अभी हमने यहाँ पे जो एप्रिलिया का इंडिकेटर का रिफ्लेक्टर का यूनिट तो बिठा लिया, बट हम बल्ब अंदर ये टाइगर का ही बिठाएंगे। तो पहले टेस्ट करते हैं, चलिए बट टेस्ट करते हैं। नहीं लगा था। अच्छा आप तो कर रहे अच्छा आप ओके, ये भी ठीक से बैठ गया, गुड। अभी इसके ऊपर से ग्लास लगाएंगे। चलो अभी लास्ट पार्ट इज़ इसको ये ग्लास बिठानी है। वी आर ऑल्सो नॉट श्योर बैठेगा कि नहीं, नहीं तो सब देखना पड़ेगा, बट वी आर होपिंग के बैठ जाएगा क्योंकि इंडिकेटर्स दोनों के एकदम सिमिलर ही है। यस बैठ गया है, अब इसको स्क्रू करते हैं। अच्छे से बैठा है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि अंदर पानी वानी जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन यार बहुत बेहतरीन फिट हो गया ये, लाइक देखते हैं। यस सो गाइस इट इज़ डन, मतलब 3000 वर्सेस 240, इट मेक्स अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंस। ऐसी आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें थी ये, बट इस छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत कुछ मतलब बहुत पैसे बचा पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यह काम भी अच्छा करेगा। हमने एक चीज़ ध्यान में रखी है कि हमने इसका टाइगर का बल्ब नहीं बदला है, इंडिकेटर का बल्ब वही है। वो जो एप्रिलिया वाला बल्ब था वो नहीं लिया हमने, हमने सिर्फ अंदर का रिफ्लेक्टर यूनिट और ये ऊपर का इसका ग्लास ये बदल दिया है और ये तो परफेक्टली बैठ गया है। तो आई थिंक इसे छोटे छोटे अगर हम रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे हम लोग अपना पैसा भी बचाएंगे और वो जो बचा हुआ पैसा है उससे कुछ और एक्सेसरीज ले पाएंगे अपनी बाइक के लिए। सो मेरे लिए ये थोड़ा नया था, मैंने एक्सीडेंटली नोटिस किया हमने, तो बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट यू गाइस ऑन यूट्यूब सो दैट अगर आपके आपको अगर ऐसा कोई इंसिडेंट्स होता है वेर यू नीड टू चेंज यूर रिफ्लेक्टर तो You will have my video handy. So guys, आज के ब्लॉग में इतना ही, रत्नागिरी राइड का ब्लॉग जल्दी आएगा, सो आई विल रिलीज इट एज सून एज इट इज़ रेडी। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड राइड विथ SP10। थैंक यू गाइज़।